हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, ये बनाई है मैंने आज वेज दम बिरयानी, जो बहुत ही डिलीशियस सी बनी हुई है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेज दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मटर, गाजर, कॉर्न, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज ली हुई हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कॉलीफ्लावर, मिंट, कोरिएंडर और बीन्स ली हुई हैं, जिनको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 बिग साइज़ के अनियन थे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है, और 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज को भी मैंने यहाँ पर चॉप्ड कर लिया है। और यहाँ मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हुए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे पहले पानी में सोख करके रख दिया था। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने राइस को रेडी करेंगे, तो जिसके लिए मैंने पैन में करीब 2.5 लीटर पानी ऐड किया हुआ है। उसी के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी और कुछ होल स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें 2 बे लीव्स और 2 मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है। ये हमारे चावल को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे, और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। तो जब तक पानी में बॉईल आ रहा है, तब तक हम यहाँ पर ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें चॉप्ड किए हुए अनियंस को ऐड कर देंगे। हमें यहाँ अनियंस को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसी तरीके से अनियंस को धीरे धीरे चलाते रहिए, क्योंकि इनको हमें एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएंगे, उस स्टेज तक हमको फ्राई करना है। और यहाँ पर मैं थोड़े से अनियन लेयरिंग के लिए यूज़ करूँगी, और थोड़े से अनियन को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लेट को 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, और यहाँ हमारे पानी में भी बॉइल आ चुका है, तो अब हम इसमें अपने चावल को ऐड कर देते हैं। यहाँ आपको चावलों को 100% कुक नहीं करना है, यहाँ बस आपको चावल 70% कुक करना है। और जैसे ही चावल 70% कुक हो जाए, उसके बाद आप उन्हें ड्रेन आउट कर लीजिए। एक बार हम चम्मच से इसको अच्छी तरीके से चला देते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया हुआ है, जिससे कि हमारे चावल में एक हल्का सा फ्लेवर आ जाए और वो फीके फीके ना लगें। तो चलिए अब हम वहाँ अपने प्याज को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्याज हमारा हल्का हल्का पिंक हो चुका है, लेकिन अभी अभी इसको हमें और फ्राई करना है। तो अब यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं थोड़े से अनियंस को प्लेट में निकाल लूँगी, जिसको हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। जब हम वेज दम बिरयानी के लिए जब हम लेयरिंग रेडी करेंगे, तो उस टाइम इन फ्राइड अनियंस का हम यूज़ करेंगे। अब इसी सेम कढ़ाई में मैं साइड में 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं उसमें कुछ होल स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और जीरा है। आपको जो भी होल स्पाइसेस पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इनको कुछ सेकंड्स के लिए हम इसी तरीके से चलाएंगे, जिससे कि हमारे इन होल स्पाइसेस का फ्लेवर प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें क्रश किया हुआ जिंजर और गार्लिक ऐड किया हुआ है। अब इसको भी हम 2-3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हैं, जिससे कि जिंजर और गार्लिक की रॉ स्मेल निकल जाए और वो अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पर हमारी ये दोनों तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं, तो अब इस स्टेज पर हम इसमें चॉप्ड किए हुए टमाटोज को ऐड करेंगे। टमाटोज को ऐड करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर चलाइए। अब मैंने यहाँ पर लिड को कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, और जब आप 2 मिनट बाद चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो टमाटोज हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब बस इसी स्टेज पर हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अब मैंने इसमें यहाँ पर करीब 1 चम्मच नमक ऐड किया हुआ है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर चावल में भी नमक ऐड किया है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी ऐड की हुई है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं,
और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से चला के लिड को 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब 2 मिनट बाद मैंने लिड हटाकर देखा तो हमारे सारे मसाले हमारे टमाटर, प्याज और जिंजर गार्लिक के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें गोभी ऐड कर देते हैं और इसको 1 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चलाएंगे। एक मिनट तक गोभी को चलाने के बाद अब मैं उसमें गाजर ऐड कर दूंगी और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। इसके बाद इसको लिड से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम तैयार कर लेते हैं सैफ्रॉन मिल्क हमारी दम बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिल्क लिया हुआ है जो कि रूम टेम्परेचर पर था। उसमें मैंने कुछ केसर के थ्रेड्स ऐड कर दिए हैं। तो जब तक हमारी ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी तब तक हमारा सैफ्रॉन मिल्क भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर गोभी और गाजर अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं तो अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बीन्स, कॉर्न और मटर को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने बीन्स, कॉर्न और मटर एज अ फ्रोज़न यूज़ की हुई हैं, इसीलिए मैंने इनको बाद में ऐड किया है क्योंकि ये कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। अब 3 से 4 मिनट तक हम सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाएंगे। इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए आप लिड से कवर कीजिए और 2 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो आपकी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक होकर रेडी हो चुकी होंगी। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें 2 चम्मच बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम पर चलाएंगे। ध्यान रखिए, आप सब्जी को जितनी अच्छी तरीके से कुक करेंगे आपकी बिरयानी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं यहाँ पर इसमें 4 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ और दही ऐड करते टाइम आप ध्यान रखिए कि आपकी गैस की फ्लेम लो ही होना चाहिए। अब दही ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरीके से चलाएंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लिड से कवर कर देते हैं जिससे दही का फ्लेवर सारी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से ऐड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे मिंट और कोरिएंडर के साथ गार्निश कर देते हैं। अब फिर से इसको 1 मिनट के लिए कवर करते हैं ताकि मिंट और कोरिएंडर का फ्लेवर हमारी सब्जियों के साथ अच्छा तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है और वहाँ पर हमारे राइस भी कुक हो गए हैं। वो क्लिप मुझसे यहाँ पर कहीं मिस हो गई है, तो मैंने आपको बताया ही था कि आपको जो चावल है उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 70% तक कुक कीजिए, उसके बाद उनको ड्रेन आउट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पॉट ले लिया है, उसमें सबसे पहले मैं ग्रेवी की लेयर लगाऊंगी। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से चावलों को स्प्रेड कर देंगे। आप चावलों को अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कीजिए, उसी से आपकी जो दम बिरयानी है वो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगी। इसके बाद अब हम इसमें मिंट और कोरिएंडर को स्प्रिंकल कर देंगे। आप यहाँ पर आप जो अनियंस हमने फ्राई किए हुए थे आप उनको भी इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड करना भूल गई हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट में सारे एक साथ ऐड कर दिए थे। इसके बाद अब हम दोबारा से ग्रेवी की लेयर लगाते हैं। यही सेम प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। जिस हिसाब से भी आपकी ग्रेवी और राइस की क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप लेयरिंग कर सकते हैं। एक बार आप ये बिरयानी अपने घर में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छी बनती है और बनने में भी हार्डली इसमें 40 मिनट्स लगते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम बस इसकी लास्ट लेयरिंग करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 लेयर लगाई हैं, आप जितनी भी चाहें उतनी लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब बस लास्ट में हमारे जो भी बचे हुए चावल हैं वो भी हम इसमें लगा देते हैं।
इसके बाद हम इसमें बचा हुआ कोरिएंडर और मिंट को भी ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो अनियंस फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज को बीच से हाफ कट कर लिया था, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। ग्रीन चिलीज को अगर हम इस तरीके से ऐड करते हैं तो वो हमारी बिरयानी को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट देती है। अब लास्ट में हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हमने जो सैफ्रन मिल्क बनाया हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स केवरा वाटर की ऐड की हुई है, आप इसकी जगह रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे बिरयानी को एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा देगा। तो यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर मैंने बिरयानी का पॉट रख दिया है और इसको अब हम फॉइल से कवर कर देंगे। बिरयानी में दम लगाने के लिए आप ध्यान रखिए, आपको कोई भारी तली वाला ही बर्तन यूज़ करना होगा। तो जब आप भारी तली वाला बर्तन यूज़ करेंगे तो उसी के साथ आपकी बिरयानी में एक बहुत ही अच्छा सा दम लगेगा और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 20 मिनट के लिए कवर कर दिया है लो फ्लेम पर, और 20 मिनट बाद अब हम फॉइल पेपर को रिमूव करके चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारी डिलीशियस से दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर रही हूँ, और प्लेट में सर्व करते टाइम आप जब भी बिरयानी मतलब निकालें तो आप उसको साइड से इसी तरीके से निकालें। अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो फिर सारी लेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमारी डिलीशियस सिदम बिरयानी बनकर रेडी है, जिसको मैंने गार्निश किया अनियन और मिंट लीव के साथ। साथ ही आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिए तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।